कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, और मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या है बच्चों? टॉर्क द टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्या काम है बच्चों टॉर्क का? जो काम फोर्स का है ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में, वही काम टॉर्क का है रोटेशनल डायनामिक्स में। फोर्स का क्या काम है? बॉडी को ट्रांसलेट कराता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन देता है। बॉडी ट्रांसलेट कर गई, कैसे पता लगता है? सेंटर ऑफ मास को देखकर। किसको देखकर? अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बॉडी की चेंज हो रही है तो बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अगर ये रॉड है, ये रॉड अगर ऐसे ऐसे टिल्ट हो गई आगे, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हुई। यहाँ इसकी देखें, सेंटर ऑफ मास यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आ गया, तो रॉड ट्रांसलेटरी मोशन में भी ट्रांसलेट कर गई। तो इसको ट्रांसलेट किसने कराया होगा? फोर्स ने कराया होगा, ठीक है। फोर्स एक्ट किया है रॉड पे, साथ में टर्न भी की है रॉड, तो टर्न का मतलब क्या? इसके ऊपर टॉर्क भी एक्ट किया है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को जो चेंज करेगा, फोर्स का काम क्या है? सेंटर ऑफ मास को चलाना है, याद रखें। एफ इज इक्वल टू एम ए जो आपने लगाई थी इक्वेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए में जो आपने एक्सेलरेशन निकाला निकलेगा हमारा, वो किसका एक्सेलरेशन है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो वो किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं? हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। तो जो काम फोर्स का है ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम किसका है? टॉर्क का है यहाँ रोटेशन में, ठीक है। टॉर्क जो है बॉडी को क्या करेगा? टर्निंग इफेक्ट देगा, रोटेशन इफेक्ट देगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ये फोर्स से ही कैलकुलेट होता है। किससे कैलकुलेट होता है? फोर्स ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है टॉर्क? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखें हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक है। क्या है टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो लाइन जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम कहां से? उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है, ये सब बातें हम यहां सीखेंगे। किस सिचुएशन में कहां पर किन किन पॉइंट्स के अबाउट हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज हम यहां सीखने जा रहे हैं, ठीक है। वो जनरली वो पॉइंट जो है वो क्या होता है हमारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। टॉर्क जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट होता है। किसके अबाउट कैलकुलेट होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट होता है टॉर्क, उसके अबाउट कैलकुलेट होता है। उस पॉइंट को आप
एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सिस तो लंबी सी होती है, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट से मतलब यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर जिस पॉइंट से पास कर रही होती है वो पॉइंट होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से जिस पॉइंट से पास कर रही होती है जनरली वो पॉइंट होता है। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, इन सब बातों को हम देखेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये कोई रॉड है, आप मुझे खुद बताइए ये रॉड है मेरे पास, इस रॉड को मैंने इस पॉइंट से हिंज कर दिया, इस पॉइंट से हिंज किया हुआ ओ, ओ ए इज द रॉड, और इस रॉड के ऊपर मैंने ये ऐसे फोर्स लगा दिया एफ। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है या ये फोर्स है एफ, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, जिस लाइन के अलोंग है ये, किस लाइन के अलोंग है ये, इस लाइन को डॉट 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 करके आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दो, ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है फोर्स, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टॉर्क क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो ये डिस्टेंस इनटू दिस फोर्स एफ इनटू दिस डिस्टेंस, ये टॉर्क आ गया मेरा। ठीक है, अगर पॉइंट यहां है मेरे पास, यहां है पॉइंट, फोर्स ये एक्ट कर रहा है, तो इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाओ, इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर दिस फोर्स, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी हो गई, ये हो गई, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस फोर्स। इतना छोटा सा काम करना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उस फोर्स से क्या कर देना है, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया एफ, ये टॉर्क, ये सॉरी, अगर ये रॉड है और इसको यहां से हिंज किया हुआ, यहां से हिंज किया हुआ, एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड इज फ्री टू मूव एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से हिंज किया हुआ, अगर मैं रॉड को ऐसे फोर्स लगा दूं तो ये रॉड क्या, इस ये फोर्स क्या इस रॉड को टर्न कर पाएगा, पॉइंट होके अबाउट टर्निंग इफेक्ट दे पाएगा, बोलो क्या ये रॉड रोटेट करेगी, होके अबाउट, ये होके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है, तो मैं ऐसे अगर फोर्स लगा दूं तो क्या ये रॉड घूमेगी, नहीं घूमेगी, तो इस फोर्स के लिए यहां पर टॉर्क क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इसको डॉट 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 करके इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाऊं, तो इसका लाइन कहां का, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, इस ये पॉइंट जो है कहां लाई कर रहा है, फोर्स पे लाई कर रहा है। अगर पॉइंट यहां है, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा टॉर्क, जीरो। ठीक है, इस फोर्स की इस पॉइंट से, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की इस पॉइंट से क्या है डिस्टेंस, जीरो है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो पॉइंट ओके अबाउट यहां, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, यहां आर वन इंटू एफ है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, यहां आर टू इंटू एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट ओ से पास कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट हम यहां टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आर लेंथ की रॉड है तो यहां टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जो है क्या है, जीरो है, रॉड घूमेगी नहीं, जीरो जीरो है टॉर्क, यहां कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर इसी रॉड के ऊपर, अगर मेरे पास ये रॉड है, ठीक है, इस पॉइंट से ये हिंज है ओ ए, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं एफ, आर लेंथ की रॉड है ये, तो क्या होगा बोलो, जब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स दूंगा, तो ये पॉइंट हो गया अबाउट क्या होगी, टर्न कर जाएगी, तो ये फोर्स जो है इस रॉड को टर्न करा देगा। अगर मैं पॉइंट से, इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में टर्न कराएगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉट जो है वो रोटेट कर जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट से
इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है पॉइंटों से, आर है। तो टॉर्क कितना है यहाँ, आर इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू दिस फोर आर एफ, ये एफ आर। टॉर्क कितना है यहाँ, एफ आर या आर एफ कुछ भी लिख लें, ठीक है। अगर अगर मैं ऐसा करूं अगर मैं ऐसे लगा दूं इसके ऊपर फोर्स एफ, देखें जरा ध्यान से, पॉइंट ओ, ये ओ ए इज द रॉड और ये आर है, ठीक है। तो इस आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, आर और एफ दोनों को मैं वेक्टर ले लूं अगर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, ये वेक्टर हो गया ना आर, जरा देखें ध्यान से, अगर ये मेरा वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर है, ये किसका, इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ओ के अबाउट, अगर मैं इसको वेक्टर आर ले लूं, ठीक है, तो ये वेक्टर आर हो गया, तो इस आर और एफ के बीच का एंगल कितना हो गया, कौन सा वाला एंगल है इन दोनों के बीच में, वेक्टर्स को दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं, टेल टू टेल मिलाएंगे, दो वेक्टर्स की टेल टू टेल मिलाएंगे, मैंने बताया था टेल टू टेल कैसे मिलेगी, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस आर को मैं अगर आगे शिफ्ट कर दूं तो यहां पे टेल बन जाएगी, तो ये है एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। इस आर और एफ के बीच में एंगल कितना है यहां, ये है थीटा। तो मुझे क्या करना है, तो कैसे निकलेगा टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट होगा यहां, पॉइंट ओ के अबाउट। तो पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की। तो यह है लाइन फोर्स की, तो इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा के परपेंडिकुलर खींच दो, कहां जाएगा परपेंडिकुलर, इस लाइन पे है, इधर जाएगा परपेंडिकुलर, इधर जाएगा या इधर, दोनों तरफ कैसे जाएगा यार, एक ही तरफ जाएगा दोस्त, कहां बढ़ाओगे पीछे, किधर एक्सटेंड करोगे इस लाइन को परपेंडिकुलर खींचने के लिए, फोर्स के लाइन को पीछे को, यहां डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन। इस जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये थीटा है, जरा देखें ध्यान से, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरा, थीटा ही होगा ना, तो ये क्या आएगा हमारा, आर साइन थीटा आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो टॉर्क क्या आएगा यहां से निकल के, टॉर्क यहां से आएगा निकल के टाउ इज इक्वल टू एफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ, एफ इनटू आर साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क आ गया। ठीक है, क्लियर। और क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं इस फोर्स को, देखो जरा ध्यान से, इस फोर्स को एक तरीका हमारा ये भी है टॉर्क निकालने का, अगर मैं इस फोर्स को अगर मैं तोड़ दूं, ये एंगल था ना मेरा थीटा, ठीक है, इस फोर्स को तोड़ दूं, कहां तोड़ दूं, अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो यहां पे जो कंपोनेंट मिलेगा इस फोर्स का, यहां पे जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिससे थीटा बनता है वाला कंपोनेंट कौन होता है, बोलो जल्दी से, कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, एफ साइन थीटा, ठीक। अब एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में से दोनों में से कौन,
एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा, दोनों में से कौन इस रॉड को टर्न कराएगा? एफ साइन थीटा। तो रॉड जो टर्न होगी वो इसे कौन कराएगा? यहाँ एसिड ना टर्न कर रही है, एफ साइन थीटा टर्न कराएगा। तो ये जो होगा एफ कॉस थीटा, ये क्या करेगा? ट्राई टू ट्रांसलेट द रॉड, यही तो करेगा, ठीक है? ये रॉड को ट्रांसलेट कराने की कोशिश करता है, ठीक है? और ये जो होगा एफ साइन थीटा, ये क्या करेगा? ट्राई टू रोटेट द रॉड, और इस एफ साइन थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर। तो टॉर्क यहां आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इनटू आर, आइदर इन दिस वे ऐसे या ऐसे, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स को तोड़ दें। अब आपको टॉर्क अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हर एक फोर्स के लिए टॉर्क निकाला जाता है, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है? टॉर्क जो कैलकुलेट होगा वो एवरी फोर्स के लिए कैलकुलेट होगा ऑन द बॉडी, हर एक फोर्स के लिए। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बच्चों मैंने बताया था, अगर वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को अगर हम लिखें इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा टॉर्क क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है? आर क्रॉस एफ, आर क्या है? आर जो है पोजीशन वेक्टर है, किसका? उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के, ठीक है? किस पॉइंट से है ये पोजीशन वेक्टर, किस पॉइंट के अबाउट है? उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर ये मेरा ये है, ये आर है, मान लो ये आर है और ये फोर्स है एफ, ये फोर्स है एफ, तो टॉर्क कहाँ एक्ट कर रहा होगा? अगर हम देखेंगे तो टॉर्क एक्ट करेगा ए क्रॉस बी, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में। कहाँ होगा टॉर्क? जिस प्लेन में आर और एफ होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है? आर और एफ किस प्लेन में होंगे? आर और एफ ऑलवेज उस प्लेन में होंगे जिस प्लेन में बॉडी का रोटेशन हो रहा होगा। किस प्लेन में होंगे? जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही होगी। यहाँ पे ये रॉड जो ओ ए जो रॉड है ये कहाँ रोटेट करेगी, कौन से प्लेन में रोटेट करेगी? बोर्ड में रोटेट करेगी, ठीक है? कैसे रोटेट करेगी? ये टॉर्क कैसे घुमाएगा इसको? ऐसे घुमाएगा, ठीक है? तो आपको टॉर्क देखने का तरीका है, तो आप एक तरीका सीधा साधा सा तरीका ये है टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का, ये एक्सियल एक्सियल वेक्टर है, कहाँ एक्ट करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, कहाँ एक्ट करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। कैसे निकालेंगे इसके डायरेक्शन को? इसके डायरेक्शन को निकालने का एक तरीका तो ये है कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकाल दो, ठीक है? आर क्रॉस एफ कैसे? कि आर कहाँ है? वेक्टर की टेल टू टेल मिलाओ, टेल टू टेल यहाँ मिल गई, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये मिल गई टेल टू टेल, तो आर की तरफ जिस प्लेन में आर और एफ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर पहले वाले वेक्टर आर की तरफ को रखोगे पाम, और एफ की तरफ करोगे कल, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहाँ है? आउटवर्ड है। आर क्रॉस एफ कहाँ है? आउटवर्ड है, ठीक है? जिधर को ये पाम कर्ल हो रही होती हैं, जिधर को ये कर्ल हो रही होती है फिंगर्स, ठीक है, ये डायरेक्शन जो है किसके डायरेक्शन है? बॉडी के रोटेशन के डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, टॉर्क यहाँ एक्ट कर रहा है। सर, टेल से टेल मिला लो यार, क्यों जबरदस्ती हेडसेट मिला रहे हो? मिलाने से हो भी जाएगा, लेकिन अब भले यार टेल से टेल मिला लो, एक ही काम कर लो, दो तीन काम मत करो, ठीक है? तो आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा? आउटवर्ड। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा बड़ा आसान सा तरीका है टॉर्क को निकालने का, जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा हो और बॉडी जिधर घूम रही हो, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर पाम रख के रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाओ। रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को जब घुमाओगे और जब एक्सीज को मुट्ठी में थामोगे, ठीक है, तो ये अंगूठा जो होगा वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा? टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। रोटेशन की डायरेक्शन में घुमा दो, ये टॉर्क है। रोटेशन की डायरेक्शन में घुमा दो, ये टॉर्क है, ठीक है? कैसे घूम रही है बॉडी? एंटी क्लॉकवाइज। एक तरीका तो ये है, ठीक है, आर क्रॉस हम वेक्टर की फॉर्म में निकालेंगे टॉर्क को। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है?
एक्स वाई प्लेन है, ये बोर्ड अगर एक्स वाई प्लेन है, टॉर्क प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी? जेड डायरेक्शन में। टॉर्क या तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या आएगा आर क्रॉस एफ करके? या तो के कैप आएगा या माइनस के कैप आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइन का यूज़ कैसे करते हैं कि टॉर्क जो होगा वो या तो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, दो में से एक ही काम करेगा, ठीक है। तो कोई एक नोटेशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। किसी एक रोटेशन के लिए टॉर्क को हम प्लस ले लेते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ कोई एक नोटेशन ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क को। हम क्या करेंगे, पूरे अपने क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, जहाँ हमें क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा होगा, वहाँ टॉर्क को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर टॉर्क जो है बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये तो पता लगी कि आपको वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट भी पता लग गई ना इसकी। यूनिट कितनी है टॉर्क की? फोर्स की यूनिट न्यूटन, और आर की यूनिट मीटर। जूल मत कह देना इसको। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जूल कराओ, ठीक है। न्यूटन मीटर है, क्या है? न्यूटन मीटर। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। टॉर्क की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। डायमेंशन फार्मूला इसका और वर्क डन का क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क हम क्या ले रहे होंगे? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। नॉट नेसेसरी यही लें, अगर इसको उलट दें हम, अगर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में आपके क्वेश्चन में बुक्स में उल्टा दिया हुआ हो नोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज को वो बुक में पॉजिटिव दे रहा हो, क्लॉकवाइज को आप इसी यही टेंडेंसी बनाओ। अगर आपका क्लॉक, अगर आपका टॉर्क फाइनली आया 20 न्यूटन मीटर, कितना आया? 20 न्यूटन मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव टॉर्क आने का मतलब बॉडी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और अगर -20 न्यूटन मीटर आया, इसका मतलब माइनस साइन वहां किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बता रहा है। माइनस साइन का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। 20 न्यूटन मीटर और -20 न्यूटन मीटर में माइनस साइन का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हम यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है जस्ट किस लिए यूज़ कर रहे हैं? डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक स्केल है, different forces are applied on scale pivoted at point A, at point O, which of the following force will produce torque? Which of the following force will produce torque? आपने निकालना नहीं है, आपने torque नहीं निकालना है, क्या बताना है? कौन कौन से फोर्सेस इसमें से टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, बस मुझे ये बताना है। और किस सेंस में प्रोड्यूस करेंगे? क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, कौन सा टॉर्क, और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, बस इतना बताना है। एक एक करके बताओ, एक एक करके। F1 है, F1 के लिए बोलो। हाँ, पॉइंट ऑफ हिंज है ना वो, तो पॉइंट हो गया, अबाउट निकालेंगे टॉर्क, ठीक है। तो F1 के लिए बताओ क्या है टॉर्क? है F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, F1 तो जीरो नहीं है, बट tau1 जो है यहाँ क्या है? तो जीरो है। फोर्स तो एक्ट कर रहा है, बट टॉर्क, ये फोर्स जो है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रहा है? ओ से पास कर रहा है। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को डॉट 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 करके आगे बढ़ाओगे तो कहाँ से पास कर रहा है? ओ से पास कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है? जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा? एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वहां वीडियो में दिख रहा है यार, ये दिखा हुआ, ये आ रहा है। एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पॉइंट ओ, ठीक है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किससे पास कर रहा है? पॉइंट ओ से पास कर रहा है, ठीक। अब जरा देखो F2 जो है यहां
फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे इज नॉट इक्वल टू जीरो, और टॉर्क बोलो एंड टाउ एंड प्रोड्यूस टॉर्क एफ टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोड्यूस टॉर्क टाउ टू ठीक है, ये फोर्स टाउ टू टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कहां प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क एफ टू, देखो जिसको नहीं दिख रहा मेरे से पूछ लेना, हाँ बेटा क्लॉकवाइज दिख रहा है, हाँ बेटे तुम दोनों दिख रहा है, देखो पॉइंट ओ से ये है ना पॉइंट ओ, ये हिंज है, पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो इसके लाइन ऑफ एक्शन की, तो एफ टू ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है एफ टू, ठीक है, तो अब मोमेंट आर्म कौन हो गई जो रोटेट करेगी, वो कौन हो गई, यहाँ कर रहा ना एफ टू, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गई, तो एफ टू ये हो गई, तो ये हो गई रॉड, ठीक है, ये रॉड रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करेगी फोर्स रॉड को, कहाँ घुमाएगा, ओ ए रॉड को ऐसे घुमाएगा, तो कैसा टॉर्क है ये क्लॉकवाइज, ठीक है, तीसरा देखो तो सही, तीसरा एफ थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोड्यूस टॉर्क टाउ थ्री, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा सबको, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे फोर्स की, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ना फोर्स की, यहाँ से ये डॉट 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 करके आगे बढ़ाया तो ये आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किधर घुमाएगा फोर्स, इस रॉड को किधर रोटेशन देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, रॉड को देखो किधर घूमेगी इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, चौथा देखो, चौथा कौन है, एफ फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोड्यूस टॉर्क क्या टाउ फोर, अगर मैं फोर्स इधर से लगाऊं रॉड पे, इधर से लगाया देखो फोर्स इधर से लगाया तो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाओ ये आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगी ना, किधर को घूमेगी ये रॉड, फोर्स लगेगा तो क्लॉकवाइज, तो कैसा टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन होगा टॉर्क का, ठीक है, और एफ फाइव में क्या होगा, एफ फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो बट टाउ फाइव जो है क्या है जीरो है, क्यों है जीरो, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा है, पॉइंट ओ से पास कर रहा है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओगे तो ओ से पास कर रहा है, तो ओ से इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जीरो है, तो कितने फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तीन, एक दो तीन, ठीक है, ये टॉर्क न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना हो तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है टॉर्क है उसको क्या ले लूंगा मैं प्लस, और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या ले लूंगा मैं माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और फाइनल जो साइन आएगा टॉर्क का, फाइनल साइन अगर प्लस आया तो रॉड, क्योंकि ये दोनों मिलकर कहां घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और ये कहां घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, रॉड किधर घूमेगी, ठीक है, जिधर टॉर्क ज्यादा होगा फाइनली वो साइन आ जाएगा प्लस या माइनस, ठीक है, ठीक है बच्चों, अ फोर्स ऑफ माइनस 10 के कैप न्यूटन एक्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 meter कॉमा माइनस 1 meter कॉमा जीरो, आ गया, देखो इधर इतना आसान है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ठीक है, कहाँ कर रहा है फोर्स, फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस 10 के कैप की डायरेक्शन में, तो माइनस 10 के कैप कहीं आओगे ना, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी, तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, तो फोर्स ओरिजिन पे एक्ट कर रहा है अलॉन्ग माइनस कहाँ माइनस 10 के कैप, माइनस 10 के कैप ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, छोड़ दो जितना भी, ये फोर्स है, और कोऑर्डिनेट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में कहीं है कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये जेड एक्सिस है ना, ये नेगेटिव जेड, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या है कोऑर्डिनेट, एक्स वाई ना, 1, -1, 0, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, तो ये वेक्टर आर निकाल लो ना, ये वेक्टर आर नहीं निकाल सकते हो, है? बोलो, अरे इस पॉइंट और जिस पॉइंट फोर्स का है कर रहा है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0, 0, तो दो पॉइंट को जॉइन करने वाला वेक्टर बता नहीं रखा मैंने आपको ए और बी, है, अगर ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा बोलो, है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस
Z2 माइनस Z1 K क्या है? बता रखा नहीं बता रखा है? तो R क्या हो जाएगा? R हेड कहाँ पे है? जहाँ पे हेड है, कहाँ हेड है? ये 0 माइनस 1, X2 माइनस X1, तो 0 माइनस 1 I कैप, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 J कैप और 0 माइनस 0 K कैप, तो R क्या आ गया आपका? R आ गया माइनस I कैप प्लस J कैप, ये आ गया आपका पोजिशन वैक्टर फोर्स का। अब टॉर्क क्या है आपके पास? टॉर्क है आपके पास R क्रॉस F, तो R क्रॉस F निकाल दो, I कैप J कैप K कैप, ठीक है, R कितना है? R कितना है? माइनस वन, J कितना है? वन, K कितना है? जीरो, और F कितना है? F, F आपके पास है माइनस 10 K कैप, तो यानी 0 0 माइनस 10, ठीक है, तो आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया कि इसलिए होगा ना माइनस 10 इंटू है माइनस 1 माइनस 10 माइनस 0 I कैप, ये लोगे J कैप वाला, देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 माइनस 0 J कैप, और ये लोगे प्लस 0, ठीक है, तो माइनस 10 I कैप माइनस 10 J कैप, माइनस 10 कॉमन आ गया, I कैप प्लस J कैप, न्यूटन मीटर कितना है टॉर्क, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? 10 अंडर रूट 2, अरे I प्लस J कैप का मैग्नीट्यूड रूट 2 आएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ये है माइनस 10 I कैप प्लस J कैप, बताइए फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताना है, बताइए हाँ जी बताइए, क्या आएगा है 100 100 न्यूटन मीटर, कहाँ आएगा? क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज आएगा, हाँ क्लॉक वाइज, नहीं एंटी क्लॉक वाइज आएगा, ठीक है, क्या करोगे? आर साइन थीटा निकाल दो, आर साइन थीटा कैसे? डॉट 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 करके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ पीछे को, और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये आएगा परपेंडिकुलर, ओ एन हो गई, ठीक है, ये हो गई ओ एन, ओ एन या मोमेंट आर्म कहलाती है, क्या कहलाती है? मोमेंट आर्म, एम ओ एम ई एन टी, ओ एन इज द मोमेंट आर्म, ठीक है, आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? ये आर है ना, ये एफ है, तो अगर आर और एफ के बीच में एंगल देखोगे तो ये है आर और एफ के बीच में एंगल कितना? इतना 30 डिग्री, तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया? 30 हो गया ना, ठीक है, तो ये हो गया आर आपका, तो ये कितना हो गया? आर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया आर साइन 30 यानी 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो फोर्स कितना है? F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन कहाँ है टॉर्क की? किधर घुमा? ये ओ एन किधर घूमेगा? ओ एन रॉड, फोर्स लगाओगे ना ओ एन पे, तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, अरे ओ ए क्लॉकवाइज की तो रोटेशन देगा ये फोर्स, तो कहाँ आएगा? घुमाओ कहाँ आएगा? इनवर्ड, तो इनवर्ड के लिए क्या लगाओगे? एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, क्या लगाओगे इनवर्ड के लिए? माइनस के कैप, कहाँ आएगी पॉजिटिव जेड एक्सिस? आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये है आई क्रॉस जे के पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये तो इन्वर्ट क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस है, माइनस के कैप, तो माइनस के कैप लगा दिया मैंने, ठीक है, तो टॉर्क आएगा यहाँ से 100 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू माइनस के कैप, तो टाउ इज इक्वल टू आएगा माइनस 100 के कैप न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक है बच्चों, हैं? ओ एन मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म कहलाती है, क्या कहलाती है? इसी पे मोमेंट हो रहा है, मोमेंट आर्म कहलाती है, मोमेंट आर्म अभी निकालेंगे मोमेंट, अगर मोमेंट आर्म पूछे तो मोमेंट आर्म क्या चीज है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, इट इज आर साइन थीटा,
मोमेंट आर्म,